Hello everyone, today in this video we are going to discuss regarding how to create search view in Odoo 16. तो ये मेरी Odoo 16 apps है और हम work करें custom modules. हमारे custom modules का name है hospital management. तो आज हम अपने custom modules में search view define करेंगे और create करेंगे. ठीक है, तो search view होता क्या है, जैसे कि हम hospital पे गए और यहाँ पे search करते हैं Odoo. तो सर्च नेम फॉर Odoo, यहाँ पे Odoo Odoo आया सिर्फ. यहाँ पे अगर हम इसकी एज सर्च करते हैं 20, तो यहाँ पे कोई सर्च नहीं करना है. ठीक है, ये किस फील्ड के अंदर है, पेशेंट नेम. ठीक है, तो पेशेंट नेम से ये सर्च करेगा. ठीक है, तो अब हम जैसे कि मैं जाता हूँ एडिट सर्च व्यू में जाता हूँ यहाँ पे. तो ये देखो यहाँ पे कोई जो आर्किटेक्चर इसका कोई डिफाइन नहीं किया, जो हमने सर्च किया कोई अभी तक इसमें मॉडल्स भी हमने कोई डिफाइन नहीं किया है. ठीक है, तो सर्च व्यू होता क्या है, जैसे कि हम सेल्स में गए और यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं अरुण कुमार जो हमारा कस्टमर है. ये हमारा अरुण कुमार यहाँ पे कस्टमर है. ठीक है, इसको हमने सर्च किया. ठीक है, इसी तरह हमारे उसमें नेम एज और जेंडर जो हमारा कस्टमर रूल्स है उसमें हम सर्च करेंगे तो उस फील्ड के नाम से हमारा सर्च हो. ठीक है, और इसमें अगर हम एडिट सर्च व्यू यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे इसमें फील्ड नेम किस नेम से सर्च कर सकते हैं, नेम, ईमेल, फोन, कैटेगरी, तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ. तो हमने अभी तक कोई भी अपने उसमें कस्टम मॉड्यूल में कोई भी सर्च व्यू में कोई कुछ भी हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया. जो भी इसका आर्किटेक्चर है देखो अभी ओपन है, इसका भी खाली है. ठीक है, एम्प्टी है. ठीक है, आज हम इस पर वर्क करते हैं. तो अभी तक हमने मॉडल्स पे वर्क किया. मॉडल्स में एक फाइल इसमें डिफाइन की patient.py. फिर सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी में हमने ये जो हमारा मॉडल से patient.py इसको हम परमिशन देंगे डिलीट की, राइट की, राइट की, क्रिएट की, तो हम सिक्योरिटी फोल्डर क्रिएट करके करते हैं. फिर हमने एक icon.png इमेज ऐड की अपने कस्टम मॉडल्स में और एक फोल्डर क्रिएट किया था व्यूज. व्यूज में हम जब हमारा जो भी XML का वर्क होता है वो हम इसमें वर्क करते हैं. menu.xml में हमने मेनू डिफाइन किया, तो सब मेनू डिफाइन किया, तो patientView.xml में हमने एक्शन, प्रीव्यू और फॉर्म व्यू डिफाइन किया था. देखो हमारे फॉर्म व्यू है, प्रीव्यू. ठीक है, और मैंने fish.py फाइल में हमने इनको जो व्यूज है इनको यहाँ पे इम्पोर्ट किया था. ठीक है, और init.py फाइल में हमने मॉडल्स को इम्पोर्ट किया था और मॉडल्स की init.py फाइल में हमने जो फाइल क्रिएट की थी patient.py मॉडल्स की वो उसमें हमने इंपोर्ट की थी. ठीक है, अभी तक हमने ये वर्क किया है. तो अब हम वर्क करते हैं सर्च व्यू पे. तो हम patientView.xml ओपन करेंगे और यहाँ पे जो ट्री व्यू का इसे कॉपी कर लेते हैं और जस्ट एक्शन के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करेंगे. ठीक है, और हम सर्च के लिए वर्क कर रहे हैं तो इसको यहाँ से ट्री हटा के यहाँ पे सर्च लिखेंगे और यहाँ पे भी सर्च और यहाँ पे भी सर्च और यहाँ पे भी सर्च और अभी इस फील्ड की कोई हमें नीड्स नहीं. ठीक है, तो कर देते हैं सेव और यहाँ पे जाते हैं एप्स में, हम क्रिएट करते हैं. ये हमने अपग्रेड किया और एडिट सर्च व्यू में यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो हमने hospital.patient.search यहाँ पे डिफाइन किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, और hospital.patient हमने यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया है तो यहाँ पे ये देखो. और अभी तक हमने कोई फील्ड यहाँ पे अभी तक यहाँ पे क्रिएट नहीं की है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं. ठीक है, मॉडल डाटा ये hospital.search हमने जो भी ये और ये आईडी है hospital.view_hospital_patient ये जो हमने आईडी यहाँ पे दी. ठीक है, अब हम इसमें फील्ड क्रिएट करते हैं. तो जैसे ट्री में गए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और सर्च में पेस्ट कर देते हैं. सर्च में हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट हमने इसको कर दिया. सेव करके एप्स में जाएंगे अपग्रेड करके, एप्स में गए यहाँ से अपग्रेड. ठीक है, यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है और अब हम जाएंगे एडिट सर्च व्यू में कि हमारी फील्ड यहाँ पे देखो ये ऐड हो चुकी है. ठीक है, अब हम इसके नेम से सर्च करते हैं, जैसे Odoo.
ये देखो सर्च पेशेंट नेम, इसका फील्ड है पेशेंट, पेशेंट के इनसाइड में उड़ू, ये हमारा उड़ू पेशेंट नेम हमारी फील्ड, पेशेंट हमारा कौन सा है, तो ये अब ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। देखो उड़ू, ये उड़ू आ गया है। अगर मैं सर्च करूँ ईआरपी, पेशेंट नेम ईआरपी, ये क्या है पेशेंट नेम है ईआरपी, तो ये यहाँ पे ईआरपी सर्च हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एज सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एज यहाँ पे नहीं सर्च हो रही है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर डोमेन। तो जैसे कि यहाँ पे सैंपल ले लेते हैं फिल्टर डोमेन का, यहाँ पे गए और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और पेशेंट व्यू प्रोटेक्शनल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसको कर देते हैं, इसको पहले डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे कर देते हैं एज, एज सर्च कर दिया, और इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ पे जाएंगे और अपने एप्स को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे गए अपग्रेड किया एप्स को, अब हम एज से सर्च करते हैं, मीन्स 20 से सर्च करते हैं, जो एज इसमें 20 है, तो 20 के जितनी भी 20 के पेशेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो जो 20 के हैं वो यहाँ पे उड़ू है, और जो 21 के हैं वो यहाँ पे 21 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम जेंडर से सर्च करें कि मेल कितने हैं, तो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि हमने अभी तक वहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, फिल्टर डोमेन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जेंडर, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं एप्स पे, अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड किया, और यहाँ पे सर्च करेंगे जेंडर, यहाँ पे सर्च किया मैंने मेल सर्च किया, ये देखो मेल आ चुका है, ठीक है, मेल यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेल कितनी है, ठीक है। अगर हम फीमेल सर्च करते हैं, फीमेल ये देखो सर्च जेंडर को फीमेल, ये देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमने आज इसमें सर्च किया है, इसमें आज हमने डिफाइन किया है सर्च व्यू अपने कस्टमर रोल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये सर्च व्यू होते हैं, अब यहाँ पे एडिट सर्च व्यू पे जाते हैं, तो ये देखो हमने फिल्टर डोमेन भी यहाँ पे शो हो रहा है कि किस किस पे फिल्टर डोमेन, नेम पे, एज पे और जेंडर पे, ठीक है। एज से भी सर्च कर सकते हैं हम, वो जेंडर से भी सर्च कर सकते हैं। ओके, आज के लिए।